गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संजय कुमार सिंह फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, भोपाल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर फोर। यूनिट नंबर फोर में जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में है थ्योरीज ऑफ फेलियर। इन लेक्चर नंबर वन फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ फेल्योर। फर्स्ट, व्हाट इज फेल्योर? फेल्योर क्या होता है? फेल्योर मीन्स ब्रेकिंग ऑफ कॉम्पोनेंट इंटू टू और मोर देन टू पीसेस इज कॉल्ड ए फेल्योर। फेल्योर का मतलब कि जब कोई कॉम्पोनेंट दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो उसको हम फेल्योर बोलते हैं। फेल्योर इज मेनली क्लासीफाइड इंटू टू वे। फेलियर को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं डक्टाइल फेलियर, दूसरे को बोलते हैं ब्रिटिल फेलियर। डक्टाइल फेलियर का मतलब कि जब हम मेटल पर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के कारण कहीं एक जगह से उसमें डायमीटर डिक्रीज होने लगता है, उसके बाद क्रैक फॉर्मेशन होता है और फिर मेटल जो है वो फेल हो जाता है। यानी कि अगर फेल होने से पहले जो मेटल है वो इन्फॉर्म कर रहा है, वार्न कर रहा है कि यहाँ से फेल होगा, तो फेलियर होने से पहले लेकिंग फॉर्मेशन होता है, डायमीटर डिक्रीज होने लगता है, तो इस टाइप के फेलियर को हम बोलते हैं डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर मेनली डक्टाइल मटेरियल में होता है, लाइक MS, एल्यूमिनियम, कॉपर, ETC। दूसरा है ब्रिटिल फेलियर। ब्रिटिल फेलियर का मतलब कि बिफोर गिविंग प्रियर वार्निंग और इन्फॉर्मेशन, अगर मेटल फेल हो जाता है, यानी कि मेटल पर लोड अप्लाई करते हैं, वो इन बिटवीन किसी भी क्रॉस सेक्शन उसका जो है बिना डिक्रीज हुए अगर वो टूट जाता है, फेल हो जाता है, तो उस टाइप के फेलियर को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिल फेलियर। लाइक कास्ट आयरन, ग्लास, तो जितने भी ब्रिटिल मटेरियल है जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें जो क्रॉस सेक्शन में जो चेंजेज आता है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड नेग्लेजेबल, जिसको हम नेकेट आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो और वो सडन फेल हो जाता है। तो फेलियर का मतलब ब्रेकिंग ऑफ कॉम्पोनेंट्स इंटू टू और मोर देन टू पीसेस। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे तो ये फेलियर का, तो कोई भी मेटल कब फेल होगा इसके लिए डिफरेंट पर्सन्स ने अपने थ्योरीज दिया, जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं और इसको हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर। ये थ्योरीज ऑफ फेलियर मशीन डिजाइन जब हम पढ़ेंगे तो मशीन डिजाइन में जितने भी कंपोनेंट्स का हम डिजाइन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर करते हैं। ये जो सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है मशीन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये जो चैप्टर है ये अप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का के यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यानी कि व्हेन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग, व्हेन मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, व्हेन मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इसका ये कॉम्बिनेशन है, तीनों का अप्लीकेशन यहाँ हम देखेंगे। तो किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो हम मशीन यूज करते हैं दैट मशीन इज कॉल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UTM। यानी कि ये दो जॉ है, एक ये जॉ है, ये दूसरा जॉ है, ये दो वर्क, ये है वर्कपीस और स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को हम दोनों जॉ के बीच में फिक्स कर देते हैं अगर हमको टेंसाइल टेस्ट करना है, किसी मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करना है, तो उस केस में हम वर्कपीस को इस जॉ के बीच में फिक्स कर देते हैं, और इसके बाद से जब हम टेंसाइल लोड अप्लाई यहाँ जब होता है तो टेंसाइल लोड अप्लाई होने के बाद ये जो वर्कपीस है
अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वर्कपीस का एक किसी सेक्शन से इसका डायमीटर डिक्रीज होने लगता है और एक टाइम आता है जब ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जहाँ ये फेल होता है उस समय जो उस पर बॉडी पर जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो यहाँ से किसी भी मटेरियल का जब हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो यूटीएम यूज करते हैं तो यूटीएम से किसी मटेरियल का हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, सीयर स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ बाय यूजिंग डिफरेंट अटैचमेंट हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से ये जो वर्कपीस यहाँ लगा हुआ है ये वर्कपीस टेंसाइल टेस्ट के लिए है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यूटीएम इज यूज टू मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड सीयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड सीयर स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो हम मशीन यूज करते हैं उस मशीन को बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये फिगर जो दिया हुआ है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का है जो अपने लैब में है। जब हम यूटीएम में किसी मटेरियल को जब हम टेस्ट करते हैं तो उस समय जो मटेरियल पर यहाँ लोड जो अप्लाई करता है यूटीएम, यहाँ वो डिस्प्ले, ये डिस्प्ले यूनिट है, इस डिस्प्ले यूनिट में लोड यहाँ डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले में जो लोड बताता है वो ग्रेजुअली बताया लोड अप्लाई करता है, जैसे 0.001 किलोन्यूटन, 0.002, 0.003, 0.004 ऐसे बढ़ते बढ़ते 1, फिर 1.001, 1.002, फिर 2, ऐसे बढ़ते 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 एक लिमिट आता है जहाँ की मटेरियल ब्रेक हो जाता है और उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल बिफोर फेल्योर इज, और मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफर बाय द मटेरियल बिफोर फेल्योर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो जब हम यूटीएम में किसी मटेरियल को हम जब टेस्ट करते हैं तो उस समय यूटीएम जो लोड अप्लाई करता है वो लोड होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब यूटीएम जो लोड अप्लाई करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में लोड अप्लाई करता है। सेकेंड, जो लोड इंक्रीज होता है बॉडी पर जो लोड यूटीएम अप्लाई करता है वो ग्रेजुअली अप्लाई करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इंक्रीज करता है, कि इस तरह से नहीं कि सडन 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड सडनली अप्लाइड लोड। तो यूटीएम जो लोड अप्लाई करता है वो ग्रेजुअली अप्लाई करता है। जब टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ वर्कपीस के पास कोई हीटिंग या कूलिंग सोर्स नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर पर ये मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करता है। फोर्थ वन, देयर इज नो वाइब्रेशन इफेक्ट, यहाँ किसी तरह का कोई वाइब्रेशन या नॉइज नहीं होता है। तो उस केस में जो ये यूटीएम स्ट्रेंथ बताता है तो उस समय जो लोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ग्रेजुअली अप्लाई होता है, कोई हीटिंग या कूलिंग सोर्स नहीं होता है, कोई किस तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, तब ये जो बताता है मटेरियल का स्ट्रेंथ अंडर दिस फॉलोइंग एजम्पशंस। अब जब यहाँ से जब लोड अप्लाई करके जब मटेरियल टूट जाता है, अगर हम एमएस का अगर मटेरियल इसके अंदर डाले हुए हैं, रखे हुए हैं जो टेस्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ, तो यहाँ कंटिन्यूअस ये डिस्प्ले होता है और डिस्प्ले होने के बाद जब मटेरियल फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है दो पार्ट्स में, तो उस समय यहाँ से जो प्रिंटर है, प्रिंटर जो है वो प्रिंट करके रिपोर्ट, यहाँ से प्रिंटर जो है प्रिंट करके रिपोर्ट हमको भेज देता है और जो रिपोर्ट देता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ से जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो यहाँ से हमको मिलता है जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है इन केस ऑफ माइल्ड स्टील ये कुछ इस टाइप का होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम वाई एक्सिस पर लेते हैं स्ट्रेस सिग्मा, एक्स एक्सिस पर लेते हैं स्ट्रेन एप्सिलॉन। तो अप टू सर्टेन लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके बाद इलास्टिक लिमिट, इसके बाद से अपर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अपर यील्ड पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट। तो यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन हर मटेरियल का हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो इस टाइप का ग्राफ हमको मिलता है। तो
किसी भी अगर यूटीएम से आपने हमने टेस्ट किया तो यूटीएम जो टेस्ट करके बताया तो मटेरियल का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल के केस में, अगर मटेरियल का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट, यानी कि यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड अल्टीमेट पॉइंट स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि पर्टिकुलर इस मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो इतना है, इस मटेरियल का स्ट्रेंथ ये है, दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। अब उस मटेरियल को लेकर के अगर हम कोई भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, गियर बनाए, शाफ्ट बनाए, स्प्रिंग बनाए, उस मटेरियल का यूज करके अगर हम कोई भी कंपोनेंट्स बनाते हैं तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, एक्चुअल प्रैक्टिस में कंपोनेंट्स के ऊपर जो लगता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लगता है। यहाँ जो टेस्ट किया गया उस समय लोड कैसा था, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो लोड लगता है वो लोड कैसा लगता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का मतलब हो गया कि एक टाइप का स्ट्रेस एक से ज़्यादा डायरेक्शन में या एक से ज़्यादा टाइप का स्ट्रेस बॉडी पर अगर लग रहा है तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग मैकेनिकल कंपोनेंट है, स्प्रिंग पर जब हम लोड लगाते हैं तो ऑलवेज स्प्रिंग पर एक्सियल लोडिंग के साथ साथ ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगता है, मतलब स्प्रिंग ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। अगर हम रोटेटिंग शाफ्ट की बात करें तो रोटेटिंग शाफ्ट ऑलवेज ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ साथ इस पर बेंडिंग मोमेंट भी लगता है, यानी कि दो टाइप का स्ट्रेस हो गया, यानी कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, स्प्रिंग पर एक से ज़्यादा टाइप का लोड या स्ट्रेस लग रहा है, मतलब स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू ऑलवेज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। तो ऑलमोस्ट ऑल अपने मैकेनिकल जो कंपोनेंट्स है, जब हम मेटल को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके कोई पार्ट्स बनाए, एलिमेंट बनाए, तो एलिमेंट ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, यानी कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज़्यादा टाइप का स्ट्रेस और एक से ज़्यादा डायरेक्शन में स्ट्रेस अगर बॉडी पे लग रहा है तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। नाउ जैसे यहाँ हम यूनिट वन में पढ़े थे कि ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा वाई के साथ साथ बॉडी पर लग रहा है शियर स्ट्रेस। तो क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस एक से ज़्यादा डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई लग रहा है, इसके साथ साथ शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन में लग रहा है और एक से ज़्यादा टाइप का स्ट्रेस लग रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। अब हम पढ़ चुके हैं यूनिट वन में कि अगर किसी बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस बॉडी पर जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, उस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को हम बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं सिग्मा सफिक्स वन। एंड सिग्मा सफिक्स वन का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू प्लस टाउ स्क्वायर, जहाँ सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा वाई ये है, टाउ ये है। तो सिग्मा एक्स जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन। सिग्मा वन का वैल्यू सिग्मा वाई, यानी कि स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस प्लस स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस बाई टू प्लस नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस माइनस नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस बाई टू का होल स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी पर जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ जो हम चेक करते हैं यूटीएम पर, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के बराबर। और यहाँ बॉडी पर जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लगता है तो उस केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, इक्वल टू सिग्मा वन। तो उस मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है, सिग्मा
वाईपी यानी कि स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट के बराबर। यानी कि स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट से जैसे ही ज्यादा लोड लगेगा मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अगर ये सिग्मा वन का वैल्यू, ये सिग्मा वन का वैल्यू अगर सिग्मा वाईपी के बराबर जैसे ही होगा वो मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी मेंबर फेल कब होगा इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दिया। किसी ने ये बोला कि बॉडी पर अगर जो नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जो सिग्मा वाईपी जो है, अगर बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के कारण जो बॉडी पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू यील्ड पॉइंट के नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो मेंबर फेल हो जाएगा। किसी ने ये बोला कि बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस अगर लग रहा है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू यील्ड पॉइंट के शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो मेंबर फेल हो जाएगा। किसी ने यह बोला कि अगर बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू यील्ड पॉइंट के नॉर्मल स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है नॉर्मल स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। किसी ने ये बोला कि अगर बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में बॉडी पर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू यील्ड पॉइंट के स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यील्ड पॉइंट के स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। किसी ने ये बोला कि बॉडी पर अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू यील्ड पॉइंट के शियर स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है फेल हो जाएगा। इस तरह से पांच डिफरेंट पर्सन्स ने अपने अपने थ्योरी दिया जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं। यही अपना सिलेबस है थ्योरी ऑफ फेलियोर में, पांच डिफरेंट थ्योरी। तो नाउ ये पांच डिफरेंट थ्योरी है। फॉलोइंग आर द मेन थ्योरीज ऑफ फेलियोर। फर्स्ट थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन ने दिए, इसलिए इस थ्योरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंकाइन थ्योरी। तो फर्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये किसकी बात कर रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो ये बोलता है रैंकाइन थ्योरी, ये बोलता है कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू अगर यील्ड पॉइंट के नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो मेंबर फेल हो जाएगा। सेकंड थ्योरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड गेस्ट स्ट्रेस का थ्योरी। गेस्ट स्ट्रेस का नाम है। तो गेस्ट स्ट्रेस का इन्हें ये बोला कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू अगर यील्ड पॉइंट के शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तब मेंबर फेल हो जाएगा। थर्ड थ्योरी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड सेंट वेनांट थ्योरी। सेंट वेनांट नाम है। तो सेंट वेनांट ने यह बोला कि किसी मेंबर पर अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू सिंपल टेंसाइल टेस्ट में यील्ड पॉइंट के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन के जब बराबर हो जाएगा तो मेटल जो है वो फेल हो जाएगा। फोर्थ वन इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड बेल्ट्रामी हेग थ्योरी। बेल्ट्रामी हेग नाम है। बेल्ट्रामी हेग ने यह बोला कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाएगा यील्ड पॉइंट पर के तो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। फिफ्थ वन इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोन-माइसेस हैंकी थ्योरी। वोन-माइसेस हैंकी नाम है। तो वोन-माइसेस हैंकी ये बोला कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू
सिंपल टेंसाइल टेस्ट में इल्ड पॉइंट पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन होगा अगर उसके बराबर होगा तो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। तो पांचों थ्योरी में सिर्फ किसी एक को अगर आप याद कर रहे हैं तो बाकी के चार थ्योरी याद हो जाएगा। पहले वाले थ्योरी में जहाँ जहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसके जगह शियर स्ट्रेस लिख देंगे तो दूसरा थ्योरी हो जाएगा। पहले वाले थ्योरी में प्रिंसिपल स्ट्रेस के जगह प्रिंसिपल स्ट्रेन लिख देंगे तो तीसरा थ्योरी हो जाएगा। पहले वाले थ्योरी में प्रिंसिपल स्ट्रेस के जगह स्ट्रेन एनर्जी लिख देंगे तो चौथा थ्योरी हो गया। पहले वाले में प्रिंसिपल स्ट्रेस के जगह अगर हम शियर स्ट्रेन एनर्जी लिख देंगे तो पांचवा थ्योरी हो गया। तो कोई एक थ्योरी अगर याद है तो सिर्फ वर्ड चेंज कर देंगे तो पांचों थ्योरी आप लिख सकते हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज कॉल्ड रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी ये बोलता है कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है, अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टॉप। तो रैंकाइन थ्योरी ये बोलता है कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो मैक्सिमम अगर नॉर्म उस केस में अगर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो मेंबर फेल हो जाएगा। यहाँ सेंटेंस में अपन लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल्यूर ऑफ मेटेरियल विल ऑकर वेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम अटेन्स द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट इल्ड पॉइंट इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट। यानी कि इफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस देन फेल्यूर ऑकर्स इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट इल्ड पॉइंट इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट। किसी भी मेंबर पर अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन का जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू होगा अगर वो सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर होगा तो मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है रैंकाइन का। अब इस स्टेटमेंट में जैसे जहां भी यहां जो मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेस के जगह शियर स्ट्रेस वर्ड अगर हम यूज कर देंगे, ये दोनों को शियर स्ट्रेस से रिप्लेस कर देंगे तो सेकेंड थ्योरी हो जाएगा गेज स्ट्रेस का थ्योरी। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस के जगह हम प्रिंसिपल स्ट्रेन कर देंगे, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेन कर देंगे तो हो जाएगा सेंट वेनांट थ्योरी। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस के जगह हम स्ट्रेन एनर्जी लिख देंगे, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी, तो ये हो जाएगा बेल्ट्रामी हेक थ्योरी। अगर इस प्रिंसिपल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस के जगह अगर हम शियर स्ट्रेन एनर्जी लिख देंगे तो वो हो जाएगा वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी। तो कोई एक थ्योरी अगर याद है तो सिर्फ ये दो वर्ड अपने को रिप्लेस करना है, बाकी का थ्योरी आप लिखते चले जाएंगे आसानी से। तो पांचों थ्योरी रटने की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक थ्योरी याद है ओके। तो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी हम देखें क्या बोलता है कि बॉडी पर अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा अगर वो सिंपल टेंसाइल टेस्ट में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के वैल्यू के बराबर हो जाएगा यानी कि यील्ड पॉइंट के बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। तो अब इसको हम ये थ्योरी ओवर थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाह रहे हैं तो मैथमेटिकली यहां सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेस एट इल्ड पॉइंट। अगर बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर यानी कि दैट इज सिग्मा वन।
सिग्मा वन कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। रैंकाइन क्या बोलता है कि फेल्योर ऑकर्स, फेल्योर होगा कब, जब सिग्मा वन का वैल्यू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन। अब इस फेल्योर को अगर हमको अवॉइड करना है, फेल्योर को अगर बचाना है, तो फेल्योर कब बचेगा, जब सिग्मा वन का वैल्यू यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है इसका वैल्यू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के वैल्यू से अगर कम हो जाए, सिग्मा वन इज लेसर देन सिग्मा वाई पी, देन मेंबर जो है वो फेल नहीं होगा। तो यहाँ से तो फेलियर को कैसे बचाएं, इसके लिए हम यूज करते हैं, जब डिजाइन करते हैं तो हम यूज करते हैं टर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर वन हो जाएगा तो सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू एक से ज़्यादा लेते हैं, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू अगर दो लिए तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो लिए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई टू, यानी कि सिग्मा वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस का हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यानी कि मटेरियल जो है वो सेफ हो गया। अगर हम तीन ले लेते हैं तो सिग्मा वन क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई पी बाई थ्री, यानी कि फर्दर सेफ हो गया। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी चार ले लिए तो सिग्मा वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई पी का वन फोर्थ, यानी कि और सेफ हो गया। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे डिजाइन जो है वैसे वैसे सेफ होते जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस बाई सिग्मा वन, जहाँ सिग्मा वन क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा वन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये हमको याद रखना होगा, अगर न्यूमेरिकल में पूछता है कि अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें या डायमीटर निकालें या अदर कोई पैरामीटर निकालें, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी, यानी कि स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट बाई सिग्मा वन। नाउ ये जो थ्योरी है रैंकाइन थ्योरी, ये रैंकाइन थ्योरी बेस्ट सुटेबल होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए लाइक कास्ट आयरन। ये रैंकाइन थ्योरी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है फॉर ब्रिटल मटेरियल, नॉट फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो जहाँ भी अगर ब्रिटल मटेरियल का हम डिजाइन करते हैं, ब्रिटल मटेरियल का कोई कंपोनेंट बनाए अगर हम डिजाइन करते हैं, तो वहाँ हम यूज करते हैं रैंकाइन थ्योरी का, इस रिलेशन का कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा वन। तो ये था रैंकाइन थ्योरी। नाउ सेकेंड थ्योरी, सेकेंड थ्योरी इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रेस का थ्योरी। सेम स्टेटमेंट, सेम वही, वहाँ फर्स्ट रैंकाइन के स्टेटमेंट में जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस था वहाँ हम यूज कर लेंगे टर्म शियर स्ट्रेस, दो जगह वहाँ नॉर्मल स्ट्रेस था, यहाँ दोनों जगह नॉर्मल स्ट्रेस को हम रिप्लेस कर दिए शियर स्ट्रेस से। तो ये थ्योरी बन गया गैस्ट्रेस का थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। गैस्ट्रेस का थ्योरी क्या बोलता है कि अगर किसी भी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है, अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है यानी कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ लग रहा है, तो उस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के यील्ड पॉइंट के शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो समय मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा। यानी कि इफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस देन फेल्यूर ऑकर्स इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट। तो यहां से ये जो गैस्ट्रेस का थ्योरी बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन के केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये सिंपल टेंसाइल टेस्ट के
मैक्सिमम शेयर यील्ड पॉइंट के मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के जैसे ही बराबर होगा, मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट अपन लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल्यूर ऑफ मटेरियल विल ऑकर व्हेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम अटेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट। तो सिंपल टेंसाइल टेस्ट में हम जो यूज करते हैं, यूटीएम जो रिजल्ट देता है वो नॉर्मल यानी सिग्मा वाईपी का वैल्यू देता है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट। तो किसी भी मटेरियल का मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट जो होता है वो उसके यील्ड पॉइंट के नॉर्मल स्ट्रेस का हाफ होता है, यानी कि टाउ मैक्सिमम या टाउ एट यील्ड पॉइंट इज इक्वल टू सिग्मा वाईपी बाई टू। तो किसी भी मटेरियल का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट जो होता है वो मटेरियल के यील्ड नॉर्मल स्ट्रेस जो यील्ड पॉइंट होता है उसका हाफ होता है, यानी कि टाउ वाई पी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट बाई टू। तो यहाँ से सिंपल टेंसाइल टेस्ट में के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू हमको पता चल गया। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस जब पढ़े थे कि टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। तो गेस्ट स्ट्रेस का क्या बोलता है कि ये सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू का वैल्यू सिग्मा वाई पी बाई टू के जैसे ही बराबर होगा जो मेंबर है वो फेल हो जाएगा। तो नाउ अब इसको हम मैथमेटिकली मैथमेटिकली देखें, यहां से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट बाय टू। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, जहाँ सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये हम जब प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़े थे यूनिट वन में तो वहां हम देख चुके हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू गेस्ट स्ट्रेस का थ्योरी जब सिंपल टेंसाइल टेस्ट का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है दैट सिग्मा वाई पी बाई टू, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी कि सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू के बराबर हो जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू गेस्ट स्ट्रेस का थ्योरी फेल्योर ऑकर्स, फेल्योर होगा, मेटल फेल होगा इफ, कब, जब शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। अब अगर फेल्योर को हमको बचाना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द फेल्योर, फेल्योर कैन बी अवॉइडेड, फेल्योर कब अवॉइड होगा, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू यानी कि टाउ मैक्स का वैल्यू सिंपल टेंसाइल टेस्ट के में यील्ड पॉइंट पर जो शियर स्ट्रेस है उससे कम हो। तो फेल्योर बचाया जा सकता है जब टाउ मैक्सिमम इज लेसर देन टाउ वाई पी। टाउ मैक्सिमम का वैल्यू क्या है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इज लेसर देन सिग्मा वाई पी बाई टू। इस टू टू को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज लेस देन सिग्मा वाई पी, फेल्योर अवॉइड करने के लिए। अब कितना कम, इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू अगर हम दो लेते हैं तो सिग्मा वाई जो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई पी बाई टू, यानी कि यील्ड पॉइंट स्ट्रेस का हाफ हो जाएगा। तीन लेंगे तो सिग्मा वाई पी बाई थ्री हो जाएगा, यानी जैसे जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जो डिजाइन है वो सेफ होते चला जाएगा और मेंबर फेल नहीं होगा। ये जो गेस्ट स्ट्रेस का थ्योरी है या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है
ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है। तो जहाँ कहीं भी अगर डक्टाइल मटेरियल का अगर हमको डिजाइन करना है तो वहाँ हम यूज करते हैं गेस्ट्रेस का थ्योरी। यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर कहीं कोई भी वैल्यू या फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने की बात आ जाए या डायमीटर निकालने न्यूमेरिकल में पूछे निकालने के लिए कि अकॉर्डिंग टू गेस्ट्रेस का थ्योरी निकालिए, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू गेस्ट्रेस का थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। फर्स्ट थ्योरी देखे थे हम रैंकाइन थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी क्या आया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा वन। सेकेंड हम लोग देखे अकॉर्डिंग टू गेस्ट्रेस का थ्योरी, तो गेस्ट्रेस का थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। तो ये था सेकेंड थ्योरी, दैट इज गेस्ट्रेस का थ्योरी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के तीन थ्योरी, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और उसके बाद से इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूनिट ओवर। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।